हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल मॉस्किटो रैकेट को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं इस रैकेट को खोलकर बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने वियर डुअल्फ कंपनी के एक मॉस्किटो रैकेट परचेस की है और इसकी स्पेसिफिकेशन भी यहां पर आप देख सकते हैं। ये लाइट वेट है और यहाँ पर इसमें LED लाइट दी हुई रहती है और ये USB से चार्जिंग होती है और इसमें लिथियम आयन के लॉन्ग लाइफ की बैटरी लगी हुई होती है और यहाँ पर इसमें दो इंडिकेटर मिल जाएंगे और यहाँ पर ये इंडिकेटर के स्विच मिल जाएंगे। यहाँ पर इस स्विच को ऊपर करेंगे तब ये वाले यहाँ पर एक LED लगी हुई होती है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर ऐसे करने पर यहाँ पर ये LED लाइट भी जलती है। और इस मॉस्किटो रैकेट के साथ इस तरह का एक USB चार्जिंग केबल भी मिल जाता है। इस चार्जिंग केबल की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलती है और यहाँ से आप माइक्रो USB से इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस रैकेट में लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई होती है और यह लिथियम आयन बैटरी होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है और इस मॉस्किटो रैकेट का बैकअप बढ़ा देती है। ये 50 से 60 घंटे तक आसानी से मॉस्किटो को मार सकते हैं, इतना बड़ा पावर उस बैटरी का होता है। नॉर्मल जो रैकेट में बैटरी आती है वो लीड एसिड बैटरी होती है। 2 से 3 महीने चलने के बाद वो लीड एसिड की बैटरी होती है वो ख़राब हो जाती है और आपका मॉस्किटो रैकेट है वो ख़राब हो जाता है और आपको उसको फेंक देना ही पड़ता है। लेकिन यह मॉस्किटो होता है वो 2 से 3 साल तक आसानी से चल जाता है। इसमें कंपनी 6 मंथ की वारंटी भी हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इसमें इसका नंबर दिया हुआ रहता है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप इसकी वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। और इसके साथ मॉस्किटो को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर व्हाइट कलर की LED भी यहाँ पर लगी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रात में जब आप इस LED को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर मॉस्किटो आते हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और इस जाली में फंस जाएंगे और अपने आप यहाँ पर मॉस्किटो किल होते जाएंगे। इस मॉस्किटो रैकेट में 2 इंडिकेटर दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको इसको बीच में रखोगे तो ये यहाँ पर मॉस्किटो रैकेट काम करना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर स्विच कर दोगे तब ये दोनों काम करेगा, ये LED और मॉस्किटो रैकेट दोनों काम करेगा। यहाँ पर एक दूसरी ग्रीन कलर की LED भी लगी हुई होती है, वो LED होती है वो चार्जिंग की होती है। यहाँ पर हम इस मॉस्किटो रैकेट को चार्जिंग करेंगे तब ग्रीन इंडिकेटर जलेगा। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का ऑटो प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है और इसके अंदर BMS भी लगा हुआ होता है। तो मैंने ये चार्जिंग केबल को एडेप्टर में फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ रहता है माइक्रो USB, उसमें लगा देना होगा आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है और यहाँ पर अभी रेड इंडिकेटर जल रहा है और जब यह फुल चार्ज हो जाएगी तब इसमें ग्रीन इंडिकेटर जलेगा। ये फुल चार्ज 30 से 40 मिनट में आसानी से फुल चार्ज हो जाती है। ये मॉस्किटो रैकेट मॉस्किटो के साथ आपके घर में जो हाउस फ्लाई होती है उसको भी आसानी से मार देती है। तो अब मैं आपको इस मॉस्किटो रैकेट की टेस्टिंग करके बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ON1 लिखा हुआ होता है, यहाँ पर हमें इसको दबा देना होगा, आगे ऊपर कर लेना होगा और यह पावर बटन है उसको हमें प्रेस कर देना होगा। यहाँ पर यह हमारी मॉस्किटो रैकेट है वो काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया हूँ और इसके बीच में मैं आपको इसको कनेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें स्पार्क निकल रहा है। ये काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें स्पार्क निकलता है। आपको जब इसको चालू करें तो इसको आपको चुना नहीं है वरना आपको काफ़ी ज़्यादा झटका इसमें लग सकता है। यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सर्किट लगी हुई होती है और काफ़ी पावरफुल इसमें बैटरी लगी हुई होती है, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पार्क क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉस्किटो रैकेट है वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस की है और इसकी प्राइस है 430 रुपीज़ और यह मुझे काफ़ी डिस्काउंट के साथ मिली है, लेकिन आपको ये 500 से 550 में आसानी से मिल जाएगी। ऑफर में लोगे तो आपको सस्ते में भी मिल सकती है, क्योंकि इसमें लिथियम आयन वाली बैटरी है इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा होती है।